आए दोस्तों नमस्ते। देखिए दाल बनाने कितना आसान है। ये है, मैंने तेल डाली, उसके बाद ये हरी मिर्ची और टमाटर, मिर्ची पाउडर, हल्दी पाउडर एक साथ। सभी झटपट बनाने वाले। उसके बाद ये हमने मूंग मसूर की दाल ये धो के, दो बार धो के रखे हैं, ताकि 5 मिनट के अंदर हमको बनाना है तो ऐसे ही बना सकते हैं, समय नहीं ले सकते हैं, टाइम ही नहीं है। तो ये थोड़ी सी धनिया पाउडर, थोड़ी सी नमक स्वाद अनुसार, ऐसी ये मिनटों में हमारी दाल बनने वाली, सिर्फ ओनली 10 मिनट में बन जाएगी डायरेक्ट तड़का लगा के बनाने से। अब हम दाल इसमें डाल दिए, ये देखिए दाल डाल के थोड़ा सा हिला दिया और इसके बाद पानी डाल के पका देंगे। दाल सिर्फ हमारा झटपट सिर्फ 10 मिनट मुश्किल से लगेगा। मूंग मसूर का दाल बहुत जल्दी बन जाती, और लेकिन बनाने का आइडिया होना चाहिए और एकदम स्वादिष्ट भी और टेस्टी भी। देखिए बहुत टेस्टी बनती है, ऐसी ऐसी बनाते हैं, ऐसी देखिए, ये देखिए टमाटर भी पक जाएगी साथ में, साथ में भुंजा भी गई तेल में, और ऐसी स्वाद बहुत स्वाद बनती है। मेरे घर तो उंगलियां चाट चाट के खाते, इतना टेस्टी बन जाती है, होटल से भी फेल करता है ऐसे बनाने से, बहुत स्वाद लगता है। देखिए ये देखिए 10 मिनट भी नहीं लगा दाल बनने में, उसके बाद दाल को दो बार धो के रखें, तड़का लगा के उसमें डाल दें, तो ये हमारी बन जाएगी। ओनली 10 मिनट में दाल हमारी तैयार, और बहुत टेस्टी भी लगती है, स्वादिष्ट। देखिए दाल हमारी, ये देखिए मिनटों में हमारी बन गई दाल, ये देखिए बहुत स्वादिष्ट। कोई ये नहीं बोलेगा इतना समय में इतना तड़का वाला दाल, कम से कम आधा घंटा 20 मिनट लगता ही है तड़का वाला, लेकिन हमने 10 मिनट में रेडी कर दिए।